आइए माँ जी, आप लोग यहां बैठिए, मैं बस अभी आता हूं। बेटे इतने बहुत अच्छा किया। माँ ये बिंदिया, इससे तो मिल चुकी है। नमस्ते बाजी। और माँ ये बिंदिया की माँ है। हाँ? नहीं बहन जी, एक मुद्दत से मैं तुम्हारी ममता पर डाका डालती रही हूँ। अपनी स्वार्थी ममता के लिए मैंने विजय से झूठ बोला। मैं ये मेरी मेरी बेटी बिंदिया नहीं, तुम्हारी बेटी राधा है। ये तुझे क्या हो गया है माँ? पगली मेरी तरफ नहीं, इस माँ की तरफ देख, जिसने तुझे जन्म दिया है, जो 20 साल से प्यासी ममता के लिए निराशा के रेगिस्तान में भटक रही है। राधा, राधा, मेरे बच्चे, बच्चे, बच्चे। माँ आज तुम्हें राधा मिल गई है, लेकिन इस माँ से बिंदिया को अलग मत करना। अगले कहीं की जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ बहुत बड़ी होती है। बहन तुम्हारा ये उपकार मैं जन्म भर नहीं भूलूंगी। राधा हमारे इतना पास रहते हुए भी कितनी दूर रही हो हमसे। भैया मैं भी कितनी बदनसीब हूँ, आपसे मिले भी तो किस हालत में। अब मैं सारी जिंदगी आप पर बोझ बनकर रहूंगी। नहीं बहन, कभी भाई पर बोझ नहीं बनती। श्याम साहब आइए। विजय साहब, मैं जब भी आपसे मिलने आता हूँ कुछ मांगने आता हूँ। एक दिन मैं अपने भाई राज के लिए आपकी बहन का हाथ मांगने आया था, उस दिन आपने मुझे निराश नहीं किया था। आज फिर मैं इसी उम्मीद से आया हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या चाहिए आप? अपनी बहन राधा का अधिकार। राधा? जिसे आप बिंदिया के नाम से जानते हैं। विजय साहब, बिंदिया उन लड़कियों में से नहीं है जो किसी शरीफ आदमी की बहन या पत्नी बन सके। श्याम साहब, दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। गीता चाहे मंदिर में रहे, महल में या झोपड़ी में, उसकी पवित्रता कम नहीं होती। अपनी बहन का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने साथ ले जाइए और पूछे उससे किसने लिखा है खत। श्याम बाबू, आपको किसी ने गुमराह करने की कोशिश की है। ऐसे बेहुदा बेबुनियाद खत पर आप जैसा आदमी यकीन कर सकता है? अपने इंस्पेक्टर वाली औकात पर उतर आए ना। काश मैं अपनी औकात पर आ सकता, काश, लेकिन क्या करूं, बहन के हक ने मेरे हाथों को जकड़ रखा है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं श्याम बाबू, अगर ऐसे कोई खत कोई राज को शालू के नाम लिखता। इंस्पेक्टर विजय कुमार, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी इतनी सी बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी हालत सोचिए, मेरी हालत सोचिए। फिर भी मैं आपके अपमान का जहर पीने को तैयार हूं। मेरी बहन को उसका अधिकार वापस दे दीजिए। हरगिज नहीं, बिंदिया मेरे लिए मर चुकी। श्याम, श्याम साहब, आप बिंदिया के सुहाग हैं, उसका भाई होने के नाते मैं आपके लिए बद्दुआ भी नहीं कर सकता। बस इतना जरूर कहूंगा, हाथ जोड़कर अपनी बहन आपके हवाले की थी, जिस दिन आप हाथ जोड़कर उसे वापस मांगने आएंगे उस दिन ले जाइए उसे। क्या हुआ भैया? लगता है शाम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। कोई ऐसा आदमी है जो तुम दोनों को अलग रखना चाहता है। ऐसा कौन होगा जो शाम के बहुत करीब हो? जिसने मुझे शाम से पहली बार मिलाया उसका नाम रंजीत है। रंजीत?